नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी रंगदल, इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। मनाली के राशन की दुकान में हो रही है धांधली, लोगों से टोकन देने के लिए वसूल किए जा रहे हैं पैसे। स्थानीय लोगों ने केपी न्यूज के संवाददाता को बताई अपनी परेशानी। विधानसभा में रो पड़े बीएस यड़ियुरप्पा, सीएम पद से दिया इस्तीफा। बीएस यड़ियुरप्पा ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, बोले हमेशा अग्नि परीक्षा जैसा रहा कार्यकाल। पुराने गैस कनेक्शन के आधार पर परिवार के सदस्य नया एलपीजी कनेक्शन ले सकेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी इसका लाभ लिया जा सकता है। ममता बनर्जी रख सकती है दिल्ली में टी पार्टी, 2024 चुनाव से पहले विपक्षी एकता को मजबूती देने की तैयारी। जब देश में उनकी ही सरकार है तो जासूसी की जरूरत क्यों, अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले राशन को लेकर राशन के दुकानों में हो रही धांधली सामने आई है। मनाली के राशन की दुकान नंबर 18 पर राशन लेने आए लोगों को राशन के टोकन देने के बदले में 10 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। साथ ही साधारण मिर्ची और हल्दी के पैकेट्स खरीदने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मनाली के राशन शॉप में हो रही इस मनमानी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा और कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए राशन दुकान वालों की धांधली और उन लोगों को हो रही परेशानी के संबंध में बताया। मनाली के पास से आपको एक अपडेट देते हुए, राशन नंबर दुकान का नंबर 18 है। 18 दुकान नंबर पे यहाँ पर टोकन जो दिए जाते हैं लोगों को, टोकन के 10 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और जब हमने दुकान के मालिक से क्वेश्चन किया, सवालात किए, तो उन्होंने बताते हैं कि किसी के पास हम पैसे पूछ रहे नहीं, जो दिए उनके पास ले रहे हैं। तो आखिर सरकार से जब इनको सभी चीज़ों की सहूलत मिल रही है, तो ये टोकन लेने की वजह क्या है? केपी न्यूज़ से मैं अमजद पाशा साबिर खान के साथ। टोकन के पैसे ले रहे साहब, गरीब आदमी है, लॉकडाउन में काम नहीं कुछ नहीं, पैसा तो ले रहे हैं और जाके बस स्टैंड को ठहरना पड़ रहा समझो। मनाली हाँ, 10 रुपये ले रहे हैं। 10 रुपये और हाँ। वक्त पे दुकान खोल रहे हैं बराबर राशन के, क्या? राशन बराबर दे रहे साहब, खाली टोकन के पैसे ले रहे, टोकन के पैसे राशन बराबर कंडीशन दे रहे समझो। जबरदस्ती पैसे तो पक्का ले रहे हैं? हाँ, पैसे ले रहे पक्का। पैसे पूछ रहे आपको क्या आप दे रहे खुशी? अरे उन्होंने लेते पूछते हैं, पैसा कौन तो पूछता है, टोकन कार्ड लगाते पैसे ले ले रहे। पिछले दिनों बिदर जिले में हुई लगातार बारिश के कारण बिदर के मनाली ग्राम के तालाब में भारी पानी जमा हो गया है। पिछले दिनों लगातार बारिश ने आम जीवन को प्रभावित किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस यड़ियुरप्पा ने पद से हटाए जाने के अटकलों के बीच आज इस्तीफे की घोषणा कर दी और इसके कुछ ही देर बाद उनके इस्तीफे की खबर आ गई। सीएम यड़ियुरप्पा सोमवार को कर्नाटक विधानसभा में रो पड़े और अश्रुपूर्ण भाव के साथ कहा कि आज वो लंच के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दिलचस्प है कि आज उनकी सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं। विधानसभा में इस दौरान 78 साल के यड़ियुरप्पा ने एक इमोशनल स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके 2 साल के कार्यकाल में लगातार उनकी परीक्षा हुई है। उन्होंने कहा, जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझे केंद्र में मंत्री बनने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं कर्नाटक में ही रहूंगा। बीजेपी कर्नाटक में बड़ी हुई है, यहाँ हमेशा मेरी अग्नि परीक्षा होती रही है। पिछले 2 सालों में कोविड परीक्षा ले रहा था। हफ्ते भर से कर्नाटक में सीएम पद को लेकर सियासी ड्रामा चल रहा था। कुछ वक्त पहले यड़ियुरप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद अटकलें उठ रही थी कि दिल्ली की बीजेपी आलाकमान उन्हें पद से हटाना चाहती है। कर्नाटक में मजबूत लिंगायत समुदाय से आने वाले बीजेपी नेता यड़ियुरप्पा को लेकर हफ्ते भर से कहा जा रहा था कि उनकी कुर्सी खतरे में है। वो लगातार अप्रत्यक्ष रूप से अपना कद ऊंचा दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे और समर्थन बटोर रहे थे। 26 जुलाई 2019 को कांग्रेस जेडीएस की गठजोड़ वाली कर्नाटक राज्य सरकार को गिराने के बाद बीएस यड़ियुरप्पा चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अपने चौथे कार्यकाल में भी वो कुर्सी पर केवल 2 साल ही टिक पाए। उनके मुख्यमंत्री के तौर पर सभी कार्यकाल विवादों से भरे और ज्यादा लंबे नहीं रहे, लेकिन अचानक उनके इस्तीफा देने की वजह क्या थी? यड़ियुरप्पा कर्नाटक के ताकतवर लिंगायत समुदाय से आते हैं। पहली बार वो वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री बने थे, तब वो केवल एक हफ्ते तक ही कुर्सी पर रह पाए थे। इसके बाद वर्ष 2008 से 2011 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा। 2018 में राज्य में
चुनावों के बाद वो केवल दो दिन के लिए मुख्यमंत्री बने और बहुमत साबित नहीं कर सके। हालांकि बाद में कांग्रेस और जेडीएस के 13 विधायकों के साथ आने से वो फिर मुख्यमंत्री बन गए। माना जा रहा था कि वो राज्य में वर्ष 2023 तक के अगले चुनावों तक मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते उन्हें फिर कुर्सी से हटाना पड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में सोमवार को आग लग गई। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार मौके पर आग को बुझा दिया गया है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सदन में किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की जनता ने बीजेपी को इतना समर्थन दिया, लोकतंत्र पर भरोसा किया, इतने बहुमत से लोकसभा में जितवाया, आज सरकार उनकी है। जब पूरे देश की जनता का भरोसा उन पर है तो फिर जनता की जासूसी क्यों कर रहे हैं? अधिकारियों की भी जासूसी करवा रहे हैं, पार्टी के अपने ही नेताओं की जासूसी करवा रहे हैं। आखिरकार सरकार क्यों जासूसी करवा रही है? ये अपराध है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे याद है कुछ साल पहले केंद्र सरकार में इनकी सरकार थी, तब भी सपा के नेताजी और अमर सिंह समेत कई नेताओं की जासूसी करवाई गई थी। देश की सुरक्षा को लेकर बीजेपी खिलवाड़ कर रही है, बड़ी साजिश कर रही है। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि सीमा पर चीन की हरकतों से कैसे निपटा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चीन की हरकतों को नजरअंदाज करने से भविष्य में मुश्किलें पैदा होंगी। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए चीन से कैसे निपटा जाए, आज उसकी हरकतों को नजरअंदाज करने से भविष्य में बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी। कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया उसमें दावा किया गया है कि डेमचोक इलाके के भारतीय सीमा के भीतर चीन की सेना ने टेंट लगा दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुई जीत से उत्साहित तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब दिल्ली का रुख कर रही है। अप्रैल मई में हुए चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद यह ममता बनर्जी की पहली दिल्ली यात्रा है। उनका उद्देश्य 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की प्रक्रिया शुरू करना है। ममता बनर्जी के 28 जुलाई को दोपहर 3 बजे विपक्षी नेताओं के लिए टी पार्टी की मेजबानी करने की उम्मीद है। यहां
कार्यक्रम तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर पर आयोजित हो सकता है। अभिषेक ममता बनर्जी के भतीजे भी है। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों को फैबली फ्लू बांटने के मामले में उन्हें यह झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जांच के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद गंभीर ने याचिका वापस ले ली। वो हाईकोर्ट में ही अर्जी दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह एक व्यक्ति दवा खरीद कर नहीं बांट सकता। कोरोना काल में लोग किस तरह एक कोने से दूसरे कोने तक भाग रहे थे। अगर आप किसी वजह से LPG गैस कनेक्शन नहीं ले पा रहे हो तो ये चिंता भी दूर हो गई है। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति के पास गैस कनेक्शन है तो दूसरे अन्य सदस्य बिना किसी एड्रेस प्रूफ के इसी के सहारे नया LPG गैस सिलेंडर का कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तेल एवं गैस विपणन कंपनियों की ओर से यह सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी इसका लाभ लिया जा सकता है। नई सुविधा के तहत अगर किसी के परिवार में माँ बाप भाई बहन या अन्य के नाम पर पहले से गैस कनेक्शन है तो परिवार का कोई अन्य सदस्य भी उसी पते का लाभ उठा सकता है और उस आवासीय प्रणाम के पते को सत्यापित करार गैस कनेक्शन दे सकता है। आपको सिर्फ अपनी गैस एजेंसी पर जाकर मूल गैस कनेक्शन संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मुहैया करानी होगी। यानी इससे एक पते पर कई गैस कनेक्शन लिए जा सकेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मनाली के राशन की दुकान में हो रही है धांधली। लोगों से टोकन देने के लिए वसूल किए जा रहे हैं पैसे। स्थानीय लोगों ने KP न्यूज के संवाददाता को बताई अपनी परेशानी। विधानसभा में रो पड़े BS अडरप्पा। CM पद से दिया इस्तीफा। BS अडरप्पा ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। बोले, हमेशा अग्नि परीक्षा जैसा रहा कार्यकाल। पुराने गैस कनेक्शन के आधार पर परिवार के सदस्य नया LPG कनेक्शन ले सकेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी इसका लाभ लिया जा सकता है। ममता बनर्जी रख सकती है दिल्ली में टी पार्टी। 2024 चुनाव से पहले विपक्षी एकता को मजबूती देने की तैयारी। जब देश में उनकी ही सरकार है तो जासूसी की जरूरत क्यों? अखिलेश यादव का BJP पर वार। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24x7। धन्यवाद।